नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर का असली गुनहगार रिया चक्रवर्ती अब सीबीआई को ही नजरबंद कर रही है। जी हां, मैं आपको इस वीडियो में पूरा सबूत दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जासूसी कर रही है और उसके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी पर भी एक संगीन आरोप लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती, कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती तमाम ऐसे करेक्टर हैं जिन पर यह संगीन आरोप लगे हैं कि वो ही सुशांत सिंह राजपूत का असली हत्यारा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत का आरोपी नंबर वन मान रहा है और रिया पर जो एक संगीन आरोप लगे हैं, रिया पर जो एक बड़े खुलासे हुए हैं, इसके बाद से पूरे देश में खलबली मच चुकी है और सीबीआई का कान भी खड़ा हो गया है। क्यों न हो, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ चालबाजी कर रही थी, उनके पैसे लूटने की कोशिश कर रही थी, अब वही चालबाजी, वही शैतान खोपड़ी वो सीबीआई पर लगा रही है और सीबीआई की वो जासूसी कर रही है। सीबीआई को ये दो दिन पहले ही शक हो गया था। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो सिद्धार्थ पिठानी रह रहे थे, उनकी पुरानी आदत है हिडन कैमरा लगा के रखना। जी हाँ, अपने बॉडी में हिडन कैमरा लगा के रखना, किसी का वीडियो बनाना या फिर किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करना, और सीबीआई को इसी का शक है। जी हाँ, सीबीआई को इसका शक है कि सिद्धार्थ पिठानी और उनका गैंग, जिसमें रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी आरोपी है, वो सीबीआई की जासूसी कर रहे हैं। सीबीआई की जो बातें हैं वो कई लोगों तक लीक कर रहे हैं। जी हाँ, सीबीआई जो उनसे सवाल कर रही है, रिया चक्रवर्ती जो उनको जवाब दे रही है, रिया को ऐसा लगता है कि उनके जो गैंग के लोग हैं वो फंस रहे हैं और वो खुद फंस रही है, और यही बड़ी वजह है कि रिया चक्रवर्ती लगातार पुलिस स्टेशन जा रही है और पुलिस से बातचीत कर रही है। वो सीबीआई के वो तमाम राज पुलिस को बता रही है जिससे वो बच सके, उनका गैंग बच सके। जी हाँ, सीबीआई इस पूरे मामले में जोर शोर से लगी है। सुशांत का असली कातिल जल्द ही बेनकाब होगा। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती पर भी ये संगीन आरोप लगे हैं कि वो हिडन कैमरा लेकर सीबीआई के पास जाती है, यानी कि वो सीबीआई का वीडियो बनाती है या फिर ऑडियो टेप करती है और वही चीज, वही राज वो पुलिस को बताती है। रिया चक्रवर्ती को पुलिस प्रोटेक्शन है, उनके कार के पीछे भी लाल बत्ती वाली गाड़ी और आगे भी लाल बत्ती वाली गाड़ी, ऐसे में वो पुलिस स्टेशन क्यों गई, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने ये संगीन आरोप लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के उन तमाम सबूतों को, सीबीआई के उन तमाम राज को, गुप्त राज को उसके सामने, पुलिस के सामने रख रही है और पुलिस उन कातिलों को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है और रिया चक्रवर्ती भी खुद को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से लगी हुई है। लेकिन सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला है। मुझे तो लगता है जल्द ही रिया चक्रवर्ती और उनका गैंग पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा और अदालत उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा। नमस्कार।